नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। ललितपुर जनपद के पूरा कला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेवरा की बेतवा नदी किनारे से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां एक लड़की के सड़े गले शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। इस खबर से बबीना कस्बे में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिसंबर को बबीना कस्बे से गायब हुए नाबालिग प्रेमी युगल में से लड़के का शव तो माता टीला डैम में 4 दिन बाद मिल गया था, लेकिन लड़की का कोई सुराग पुलिस को अभी तक नहीं मिला था। आज जनपद ललितपुर की पूरा खला थाना पुलिस को सुकमा ढुकमा डैम की बेतवा नदी में ग्राम गेवरा के पास पानी में झाड़ियों में एक लड़की के सड़े गले शव की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पूरा कला पुलिस ने शव की जांच पड़ताल करने के बाद थाना बबीना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बबीना थाने से नवागंतुक थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, भेल चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह, बैदौरा चौकी प्रभारी संजय दुबे, इस मामले की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, उप निरीक्षक अनुराग शर्मा, हेड कांस्टेबल के राठौर, कांस्टेबल सौरभ मिश्रा, कांस्टेबल राजकुमार और महिला कांस्टेबल प्रिया नगीना तथा चालक विजय सिंह लड़की के पिता एवं चाचा को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा से शव की शनाख्त कराई। लेकिन शनाख्त के दौरान लड़की के पिता और चाचा ने शव को पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि मामला 23 दिन पुराना हो चुका है, इसलिए लाश पानी में पूरी तरह से सड़ और गल चुकी है, जिसकी शनाख्त करना नामुमकिन है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि माता टीला डैम से पानी में बहती हुई लाश सुकमा ढुकमा बांध से होती हुई ग्राम गेवरा के पास नदी के पानी में झाड़ियों में फंस गई होगी। समय अधिक हो जाने के कारण शरीर पर एक भी कपड़ा बाकी नहीं बचा है, साथ ही साथ एक पैर और चेहरा तथा बाल पूरी तरह से गल चुके हैं, जिसे पहचानना मुश्किल है। तस्वीर काफ़ी बीभत्स है, इसलिए हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि यह प्रगति का ही शव हो सकता है। फिलहाल पूरा कला पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, तो वहीं बबीना पुलिस ने माता पिता का डीएनए सैंपल लेकर जांच की बात कही है। सही तथ्य फॉरेंसिक लैब में डीएनए जांच से ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ प्रिंस राज यादव की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।